हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट 27 करेंगे। इसमें हमें ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर द ओड वन आउट। जो चीज़ बाकियों से अलग है उस पर हमें सर्कल करना है, जैसे स्लीप, शीप, जीप, कार। देखो, स्लीप, शीप, जीप बोलने में एक जैसी साउंड निकाल रही है, तो ये सारी एक जैसे पिक्चर्स होंगी, एक जैसे वर्ड होंगे। लेकिन कार, कार बिल्कुल अलग है स्लीप, शीप, जीप से, इसलिए कार को सर्कल कर दो, क्योंकि कार बोलने में बिल्कुल अलग साउंड निकाल रही है। ऐसे ही बैल, कैट, मैट, रैट। कैट, मैट, रैट राइमिंग वर्ड्स है और एक जैसी साउंड निकाल रहे हैं, इसलिए कैट, मैट, रैट एक जैसे होंगे। लेकिन बैल अलग होगा, इसलिए बैल पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है चोप, मोप, पोप, होट। चोप, मोप, पोप एक जैसी आवाज़ आ रही है इनको बोलने में, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स है, इसलिए होट को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है मैप, बीप, स्नैप, कैप। अब मैप, स्नैप, कैप एक जैसे वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स हैं ये, लेकिन बीप इनकी जैसी साउंड नहीं निकाल रहा, इसलिए बीप पर सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट है जैम, क्लैम, विंग, रैम। जैम, क्लैम, रैम एक जैसे साउंड निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये राइमिंग वर्ड्स है, लेकिन विंग राइमिंग वर्ड नहीं है। जैम, क्लैम, रैम, विंग, देखो अलग है ना विंग, इसलिए विंग पर सर्कल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड्स एंड ड्रॉ द पिक्चर्स, ऑल्सो कलर द रेनी डे सीजन बिलो। जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं उनको हमें कंप्लीट करना है, एक एक लेटर मिसिंग दे रखा है उनमें, तो हमें उसे कंप्लीट करके लिखना है। जैसे फर्स्ट आर आई एन, बीच में जो आर के बाद डैश है उसमें ए आएगा, आर ए आई एन, रेन। अब रेन की पिक्चर ड्रॉ करनी है, मैंने कर रखी है यहाँ पर क्लाउड बनाकर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी की पिक्चर भी मैंने ड्रॉ कर रखी है। नेक्स्ट वर्ड है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, छाते की पिक्चर मैंने ड्रॉ कर रखी है, आप भी कर लीजिए। नेक्स्ट है बूट्स, बूट्स कहते हैं जूतों को। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक की पिक्चर भी ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेनकोट, रेनकोट मतलब बारिश में पहनने वाला कोट, उसकी भी पिक्चर मैंने ड्रॉ कर रखी है। नेक्स्ट हमें रेनी सीजन का एक सीन दिखाया गया है, हमें ये ऐसे ही ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एंड ड्रॉ द थिंग्स डैट फ्लाई इन अ स्काई। हमें उन चीज़ों पर कलर करना है और सर्कल मैंने कर दिया है, इसीलिए जो चीज़ें हवा में उड़ सकती है आप इन पिक्चर्स को पे कलर कर लेना, जैसे शीप, बैलून, स्पैरो, बाइसिकल। इनमें से जो हवा में उड़ सकती हैं वो है बैलून और स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, बैलून मतलब गुब्बारे। नेक्स्ट में है एरोप्लेन, डॉग, हेलीकॉप्टर, टॉफी। इसमें से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ सकते हैं, इसीलिए एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में कलर कर लेना, मैंने इन्हें सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट हमें एक खाली ड्राइंग दे रखी है, उसमें हमें उन उन चीज़ों के पिक्चर ड्रॉ करनी है जो हवा में उड़ सकती हैं, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बलून, स्पैरो, जो भी वर्ड्स हमने ऊपर सीखे उनकी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट हमें कुछ लाइंस दे रखी है, उन्हें पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो लाइंस है वो है, टॉम इज़ अ गुड बॉय, टॉम अच्छा लड़का है। He loves to eat fruit. उसे फल खाना अच्छा लगता है। He likes apple and mango. उसे एप्पल यानी सेब, मैंगो यानी आम पसंद है। His father gives him a box of nuts. उसके पिताजी यानी उसके पापा उसके लिए nuts का डब्बा लेके आए। अब हमें इसके questions के answer करने हैं। What is the name of the boy? लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम है टॉम, T-O-M, टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही लव्स टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है? ही लव्स टू ईट फ्रूट, उसे फल खाना पसंद है। नेक्स्ट है, विच फ्रूट डज ही लाइक, उसे कौन सा फल पसंद है? ही लाइक्स टू ईट एप्पल एंड मैंगो, उसे सेब और मैंगो पसंद है।
नेक्स्ट है, व्हाट डज हिज फादर गिव हिम, उसके पिताजी ने उसे क्या दिया? हिज फादर गिव हिम अ बॉक्स ऑफ नट्स, उसके पिताजी ने उसे नट्स का बॉक्स दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, हमें पिक्चर्स को मैच करना है उसके वर्ड से। जैसे फर्स्ट पिक्चर है एक बहुत बड़ी बॉल की, यानी वो बिग है, तो बिग उसे डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बड़ी है, तो बिग के साथ उस बॉल को मिला दो। नेक्स्ट पिक्चर है बॉल की जो कि बहुत छोटी है, यानी स्मॉल है, तो स्मॉल वाले वर्ड से उस पिक्चर को मिला दो। नेक्स्ट पिक्चर में हमें एक घोड़ा दिखाया गया है, हॉर्स दिया गया है, जो कि बहुत तेज दौड़ रहा है, यानी वो फास्ट रनिंग कर रहा है, तो फास्ट के साथ उस घोड़े को हॉर्स को मैच कर दो। नेक्स्ट है टर्टल, यानी कछुआ, कछुआ बहुत स्लो चलता है, तो स्लो वाले वर्ड्स के साथ कछुए को मैच कर दो, ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है कि कछुआ स्लो चलता है। नेक्स्ट हमें एक स्माइली दिखाया गया है जो कि सैड है, यानी दुखी है, तो सैड वाले वर्ड से उस स्माइली को मैच कर दो। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की वर्कशीट 27। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे।